मेरे साथ में पास हो रहा शायद आप जानते होंगे देख रहे हैं अरे जी वेलकम टू गोल्ड थैंक यू क्या कुछ कहेंगे इस अवार्ड के लिए जी ये मुझे बी क्लब की तरफ से अवार्ड मिला है उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया है क्राफ्ट के लिए बहुत खुशी है मुझे कि मेरे काम को इस तरीके से सुनाया गया है और उसे रिकॉग्नाइज किया गया और इतने सम्मान से एक अवार्ड पाने का कितना मान्य रखा आई थिंक आप कहीं ना कहीं जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं और उसको सराहना मिलती है तो जब उस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं देख रहे हैं जब आप आते हैं तब आपको पता लगता है कि लोग आपको कितना पहचान दें तो वो आपको मोटिवेट करता है कि लाइफ में और बेटर करना है और अच्छा काम करना है तो वो एक मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी यू नो जब आप इतने घंटे आप काम करते हैं थक जाते हैं वो एनर्जी जो है वो लाना बहुत ज़रूरी है तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं जब आपको इतनी खुशी से ये सारे अवार्ड्स प्रेजेंट किए जाते हैं मतलब 17 साल के पहले का पारस और आज के पारस में क्या फ़र्क है सर वो तो बच्चा था बहुत ही छोटा है हालांकि मैं भी बच्चा था लेकिन स्टार्टिंग मैंने बस स्टार्टिंग से तो शॉप कर लिया लेकिन आई थिंक डेस्टिनी में था मेरी इसी में छोटे शहर बरेली से बस सब कुछ प्लान यहाँ पे आया देखा नहीं है आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि ये जर्नी जब परफेक्ट अगर एक्टर ना तो क्या होता है सर बचपन में तो सोचा था कि पायलट बनूँगा क्योंकि एविएशन के यहाँ पे शुरू हो रहा है पर क्योंकि करियर इतनी जल्दी स्टार्ट हो गया आई यूज़ टू डांस ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही किया 13 साल की उम्र में तो ये करियर चुन लिया गया तो उसके बाद तो फिर बोला कि नहीं आई थिंक दिस इज़ माय किक कोई ऐसा चीज़ आप चाहते हो कि मुझे ये एक्टर करना है ऐसे चाहत तो होती है कोई ऐसा है नहीं मैं हमेशा उसमें कुछ चैलेंजिंग करना चाहता हूँ मैंने आई थिंक इतने सालों में ऑलमोस्ट सारे जॉनर कवर कर लिए हैं जितने भी तरीके किरदार हो सकते हैं तो अगर कुछ इससे कुछ अलग चैलेंज करने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर ट्राई करना चाहूँगा अदरवाइज एक्शन कॉमेडी रियली शो ड्रामा कुछ फिल्म भी की हैं तो बट आई थिंक मेरे लिए आइडियल जो रोल है वो रॉक स्टार के रणबीर कपूर का है वैसा कुछ रॉक स्टार रणबीर कपूर के ऐसा कि वो ऐसा कुछ सर वो तो 7 दिन टेलीकास्ट है हमारे शो का कहना का हुआ है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है मुझे कई सारे प्रोजेक्ट्स एक बार आप करने लगो तो बाकी सारे छोड़ने पड़ते हैं बट मैं म्यूज़िक वीडियोस बीच में करता रहता हूँ कुछ कैसे टाइम निकल पाते हो कि यहाँ जाना ये करना है बहुत मुश्किल हो जाता है आपकी सारी आपकी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ सेक्रीफाइस तो होती है क्योंकि इसीलिए बहुत ही इनसिक्योर जॉब है और बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों को आई थिंक दूर से देख के लगता है कि क्या लाइफ है बट वो होता है जब आप वर्क कर रहे होते हो तो आप इतना ज़्यादा बिजी होते हो कि आपके पास उस चीज़ के अलावा कोई टाइम नहीं होता और जब आप बीच में फ्री होते हो तो इतने फ्री होते हो कि आपको समझ नहीं आता क्या करो क्या तो काम तो ऐसे ही है बट अभी जब आप काम कर रहे हो तो आपको पर्सनल लाइफ और बाकी सारी चीज़ें घर जाके फैमिली को टाइम देता हूँ सर उसके बाद सो जाता हूँ क्योंकि पूरी तरीके से शुक्र है अभी मेरी शादी वादी नहीं हुई इतना प्रॉब्लम नहीं है माँ बाप समझ रहे हैं आखिर क्या कुछ कहेंगे जो ऑडियंस है जो चाहती है एक्टर बनना जो एक्टर बनना चाहता हूँ अगर उनको लगता है कि वो चीज़ है डेफिनेटली आप करना चाहिए बट ये सोच के ना है कि एक अगर चीज़ हो गई उसके बाद फिर कुछ स्ट्रेस नहीं है लाइफ कई लोग देखा है जो वन शो एक शो करके फिर उनके दिमाग पे चीज़ें इतनी ज़्यादा जुट जाती हैं गायब हो जाते हैं आई थिंक अपने रूप से जुड़ा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है और अपने क्राफ्ट के साथ आई थिंक आपको ज़्यादा ट्रूथफुल रहना कि आपको खुद का अंदाज़ा हो सके आपके बच्चे जो थैंक यू